पुलवामा जो अटैक हुआ था, ये हमारे खुद का नाम आर्मी कंटेनमेंट जोन है, तो जो पुलवामा अटैक हुआ था जिसमें ट्रक ब्लास्ट हो गया था, तो उसके लिए हमने ये बनाया था कि कोई गाड़ी अगर बिना चेकिंग के लिए आगे जाता है तो यहाँ से हम इसको ऑन कर देते हैं जिससे आगे का सड़क ऊपर उठ जाता है। ये हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया जो एक ट्रांसमीटर का काम करते हैं, रिसीवर का करता है, यहाँ से 40 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है और ये रिसीव करती है। ये अर्डिनो ऊनो होता है जो एक मिनी कंप्यूटर की तरह काम करता है, हमने इसको जंपर वायर के साथ कनेक्ट किया, फिर यहाँ पर एक सर्वर मोटर है जो यहाँ से कनेक्टर में जितना डिग्री इसको रोटेट होना उसके हिसाब से वो रोटेट होता है। तो यहाँ से जैसे कोई गाड़ी बिना चेकिंग के आगे जाती है तो दो रोड हाँ, और जैसे वो गाड़ी निकलती है तो ऑटोमेटिक नीचे हो जाती है। और ये जब हम इसको ऑन करते हैं तभी होता है, क्योंकि कोई गाड़ी बिना परमिशन के आगे जाए तो हम इसको ऑन करते हैं ताकि वो आगे का सड़क हो जाता है और वो आगे नहीं जाता है, जैसे उसका चेकिंग होता है। और आगे फ्यूचर में सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगी। उसकी समझ में होगा ये आपका, इसको हटा के होता ना। एक बार इनकी ये वाले पॉइंट्स बताइए जरा, फिर से क्या क्या है। सर ये अल्ट्रासोनिक सेंसर होता है, इसको अल्ट्रासोनिक सेंसर होता है जिसमें दो स्पीकर रहते हैं, ये एक ट्रांसमीटर का काम करता है, रिसीवर का काम करता है। तो ट्रांसमीटर होता है वहाँ से 20 हर्ट्ज से गीगा हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी जा सकती है, लेकिन इसमें 40 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है और ये फ्रीक्वेंसी बाहर जाती है, और ये रिसीवर होता है जो फ्रीक्वेंसी को रिसीव करता है। इससे हमने जंपर वैसे अर्डिनो ऊनो में कनेक्ट किया है। इसका नाम क्या पूरे सर्किट का? अर्डिनो ऊनो नाम है इसका। ये एक मिनी कंप्यूटर की तरह होता है, माइक्रोचिप की तरह, जिसमें प्रोग्रामिंग का सारा काम इसमें होता है, बहुत ईजी से हो जाता है। और इससे हमने यहाँ पर जंपर वायर कनेक्ट किया है जो मेल टू मेल होता है, ये सर्वो मोटर का होता है। इसको क्या बोलते हैं? सर्वो मोटर बोलते हैं इसको। ये यहाँ से जितना डिग्री इसको रोटेट होना उसके हिसाब से रोटेट हो जाता है, ये क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज दोनों घूमता है। तो अगर इसको हम आगे इतना घुमाइए, इसको हमने पकड़ के पीछे खींच दिया तो ये एंटी क्लॉक वाइज अपना पोजिशन और वापस गेन कर लेता है। तो जैसे कोई यहाँ पर गाड़ी जाती है, जैसे ये सर ये दो स्पीकर होते हैं, यह सर दो वायर लगा रहता है, तो ये आगे जाता है तो ये वायर का कॉन्टेक्ट टूट जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या है। तो जैसे गाड़ी आगे जाता है तो वो सड़क उड़ जाता है, क्योंकि वो अगर गाड़ी बिना चेकिंग का हुआ तो हमने ये ऑन करके रखा है जिससे वो ऊपर उड़ जाता है, और जैसे वो नीचे जाता है तो वो ऑटोमेटिक नीचे हो जाता है। ये है आर्मी भी हो रहा है, आर्मी कंटेनमेंट जोन हमारा। गुड, 12th क्लास ना? यस सर, वेरी गुड।